वहीं अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर उदयपुर ब्लॉक में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त, खेतों में बर्फ की चादर सी बिछ गई है। सड़क पर भी 2 फुट ऊंची बर्फ जमी हुई है और बेमौसम बारिश से यहां पर किसान भी परेशान। खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई है ओलावृष्टि से। सड़कों पर भी कई फुट ऊंची बर्फ जम गई है। आपको बता दें कि अंबिकापुर में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी थी। आप हालात देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से, ये लग नहीं रहा कि अंबिकापुर है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर बर्फबारी हाल ही में हुई है। लेकिन आपको बता दें ये ओले हैं जो कि बारिश के बाद यहां पर कहर बरपा रहे हैं और बेमौसम इस बारिश ने किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीर खींच दी है, क्योंकि यह समय गेहूं में बाल आने का है और ऐसे में ओला गिरने से जाहिर सी बात है कि जो फसल है उस पर प्रभाव पड़ेगा और चादर की तरह वो फसल जमीन पर गिर जाएगी, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है और जो बाल आ रही है वो भी टूट सकती है, क्योंकि ओले की तादाद अच्छी खासी तादाद में ही गिरे हैं। अधिक जानकारी के साथ रामकुमार यादव जुड़ गए हैं। रामकुमार, क्या सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अभी भी बारिश और ओलावृष्टि अभी भी हो रही है? जी, अभी मैं बता दूं आपको, उदयपुर जो ग्राम क्षेत्र है वहां पे 2 घंटे पूर्व जो है पहले जो है तेज बारिश और बर्फबारी हुई, लेकिन अभी जो है मौसम वहां पे हल्का साफ हुआ है। हालांकि बर्फबारी नहीं हो रही, लेकिन कुछ छीटे छाटे बूंदे बांदी पानी जो है, जो बारिश जो है वो कंटिन्यू अभी भी वहां पे हो ही रही है। और वही बात करें जो मौसम विज्ञानी हमसे बात, उनका कहना है कि ये जो अचानक जो बारिश आई है, बर्फबारी हुई है, इससे जो है मौसम में जो है ठंडक रहेगी और जो ठंडक है जो काफी अभी बरकरार रहेगी और ठंड जो है बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका राजकुमार। देखते